भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 316 रन बना लिए थे। इंग्लैंड की लीड 126 रनों की हो चुकी है। हालांकि तीसरे दिन स्टंप के समय इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओली पॉप 148 और रेयान अहमद 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। पोप ने अपनी नबाद पारी में 17 चौके लगाए हैं। हालांकि इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में महज 246 रनों का स्कोर खड़ा किया, वहीं भारत ने अपनी पहली पारी में 436 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत को 190 रनों की बढ़त मिली थी। हालांकि इंग्लैंड की दूसरी पारी की बात करें तो अश्विन ने सबसे पहले जैक क्रॉली को चलता किया, फिर दूसरा विकेट जसप्रीत बुमराह ने 113 रनों के स्कोर पर ले लिया, जिन्होंने बेन डकेट को 47 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके ठीक 4 रनों के बाद यानी 117 के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को भी 2 रनों पर चलता किया। वही चौथा विकेट रविंद्र जाडेजा ने जॉनी बरिस्टो का लिया, जो क्लीन बोल्ड हो गए। फिर अश्विन ने बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। 163 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद ओली पॉप और बेन फोक्स ने मिलकर 112 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस खड़ा कर दिया। फोक्स ने 81 गेंदों पर 34 रन बनाए। वहीं फोक्स के आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम की तरफ से रेयान अहमद और ओली पॉप ने इंग्लैंड को और कोई नुकसान नहीं होने दिया। दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाज तीसरे दिन के खेल में कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 15 रन ही कल के स्कोर में जोड़ सके। रविंद्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल आज आउट होने वाले 3 बल्लेबाज रहे। रविंद्र जाडेजा ने 180 गेंदों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा 87 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। वहीं दूसरी पारी के लिए बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने अच्छी गति से रन बनाना शुरू किया, लेकिन लगातार गिरते विकेट उनके लिए चिंता का सबब बना रहा। लगातार गिरते विकेटों के बीच नंबर 3 पर बैटिंग के लिए उतरे ओली पॉप क्रीज पर जमे रहे। बेन डकेट और जैक रोली ने इंग्लैंड को 45 रनों की शुरुआत जरूर दी थी। भारत को पहली सफलता 10वें ओवर में आर अश्विन ने जैक रोली के रूप में दिलाई, जो 33 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्कों की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। फिर 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह बेन डकेट के लिए काल बने। बुमराह ने डकेट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। अच्छी पारी खेल रहे बेन डकेट ने 7 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर स्पिन खेलने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाने वाले जो रूट 21वें ओवर में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 28वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने जॉनी बरिस्टो को 10 रनों पर आउट कर दिया। फिर कुछ देर बाद यानी 37वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स भी 6 के योग पर अश्विन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद ओली पॉप और नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए उतरे बेन फोक्स ने जिम्मा संभाला और 6वें विकेट के लिए 112 रनों की अहम साझेदारी की। इस पर अपती हुई साझेदारी में अक्षर पटेल ने सेंध लगाई और 67वें ओवर में बेन फोक्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा। बेन फोक्स ने सदवीं पारी खेलते हुए 81 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 34 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं इसके बाद ओली पॉप ने रेयान अहमद के साथ जोड़ी जमाई, जो दिन का खेल खत्म होने तक बरकरार रही। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 41 रनों की अहम साझेदारी की और भारतीय टीम को बैकफुट पर खड़ा कर दिया।